लगता है मन ये सोचने जीवन के हर एक मोड़ पे आधी आधी मिली सारी खुशी मुस्कुराए ही थे चुप हो गए जिस घर में आंगन में रहूं उसकी भी हो कर मैं ना हूं कैसे कहूं किससे देखा देखा एक बार फिर से मेरा बेटा तुम्हारी वजह से मुसीबत में फंस गया। हाथ जोड़ती हूँ तुम्हारे राधिका, हाथ जोड़ती हूँ। मेरे बेटे की जिंदगी में और परेशानियां मत खड़ी करो, थोड़ी जिम्मेदार बनना सीखो। जिम्मेदारियां तो उसे दी जाती है माँ जी जिस पर इंसान विश्वास कर सके, लेकिन आज जो कुछ हुआ है उसके बाद तो मेरा राधिका पर से विश्वास ही खत्म हो गया है। मुझे नहीं लगता कि वो इस घर को कभी भी संभाल पाएगी। कहाँ जा रही हो उधर? दादी माँ रसोई की तरफ, ये देखने के लिए कि नाश्ता क्या बनाना है। अब से ये भी मेरा एक दायित्व है। विशाखा? कौन? मृणालिनी बोल रही हूँ। गुड मॉर्निंग मृणालिनी भाभी। इज इट? जिसका अब तक रैपर, मुझे ये बताओ कि तुम्हारे मन में क्या प्लान है। प्लान? सादा भोली मत बनो विशाखा, क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम्हारे मन में कुछ पक तो जरूर है। वरना तुम यहाँ फोन करके झूठ नहीं बोलती कि देव और राधिका मंदिर गए। आज राधिका जिस मुसीबत में है वो तुम्हारी वजह से। बड़ी समझदार है आप मृणालिनी भाभी। गुड, मुझे आपसे यही उम्मीद थी। तो क्या कहती हैं, साथ देंगी मेरा? क्या तुम वही कहना चाहती हो जो मैं समझ रही हूँ? बिल्कुल। ग्रेट, वो क्या कहते हैं, देर आए दुरुस्त आए, समय लगा है ना? हाँ, बस यही समझ लीजिए कि अब आप अकेली नहीं है। वो तो ठीक है विशाखा, लेकिन अब जो करना है जल्दी करो, क्योंकि तुम्हारी वो बहन लगातार एक आदर्श छोटी बहू होने की कोशिश कर रही है। तो आप उसकी कोशिशों को नाकाम कीजिए ना। देखिए, आप वहाँ हैं और मैं यहाँ, पर हम हैं तो एक ही टीम में ना। यस विशाखा, इन फैक्ट अब तुम देखते जाओ कि मैं करती क्या हूँ। ऑल द बेस्ट। थैंक्स। सुनिए, उठिए ना, देखिए समय क्या हो गया। सुनिए, उठिए ना, देखिए कितना समय हो गया। ये क्या कर रही हो राधिका? तो मैं क्या करूं, आप उठ ही नहीं रहे हैं। चद्दर क्यों खींच ली? तो मैं क्या करती, आप उठे नहीं तो मैंने, अब जल्दी से उठ जाइए, नहा धोकर तैयार हो जाइए। चाय? अभी नहीं। ठीक है, मैं आपके लिए कपड़े निकाल देती हूँ। Thank you.
छोड़िए ना, बहुत काम है। कोई काम नहीं, यहाँ मेरे पास बैठो। मुझे जाना है, आप भी तैयार हो जाइए ना। अब देखिए समय कितना हो रहा है। घड़ी में समय कुछ भी हो रहा हो, मेरे लिए तो ये प्यार करने का समय है। और मेरे लिए नाश्ता बनाने का समय है। वो मैं चूल्हे पर सब्जी चढ़ा कर आई हूँ ना। तुम सुबह कितना जल्दी उठ गई थी, जो तुमने पूजा भी कर ली, नाश्ता भी बना लिया और सब्जी भी। इसका मतलब पूरी रात तुम सोई नहीं हो। मेरी बात तो मानोगी नहीं, है ना? हाँ, आप भी तो मेरी बात नहीं मानते हैं ना। हर बात तो मानता हूँ, क्या नहीं माना? अब ठीक है, तो जल्दी से तैयार हो जाइए ना। अच्छा, तुम मुझे इसलिए तैयार होने के लिए कह रही हो क्योंकि चूल्हे पर सब्जी पक रही है। आज सब्जी पति से प्यारी होगी। हाँ, क्योंकि सब्जी मेरी बात मानती है ना, उससे मैं कहती हूँ पक जाओ तो पक जाती है। अच्छा, इधर आओ तुम। अब भाजी, दाल को कितनी सीटी देनी थी? दो। क्यों, दाल अभी तक गली नहीं? जी नहीं। दाल गलने कहाँ देती हो तुम? भौजी, आप एक बार देख लीजिए ना। जी। क्या? जी भाजी। कोई बात नहीं, मैं देख लेती हूँ। आप ऐसे कीजिए, ये भिंडी धो दीजिए। जी। आज हम सूखे में भिंडी की सब्जी और रसीले में बढ़िया। मैं कर लूंगी ना भाजी। मिलकर काम करेंगे तो जल्दी खत्म हो जाएगा। जी। आप अच्छा, घर में सबको भिंडी पसंद है ना? सारे। मुझे जूस मिलेगा? जी, अभी लाती हूँ। दीदी। हाँ? मैं भिंडी की सब्जी बना रही थी, सबको पसंद है ना? हाँ, सब खाते हैं, बस मम्मी जी। माँ जी को नहीं पसंद है? वो वैसे भी दोपहर का खाना नहीं खाएंगी, उनका आज उनका आज उपवास है। आज उपवास? हाँ, वो थर्सडे, गुरुवार का व्रत, वो बृहस्पति जी की पूजा होती है ना, इसलिए। जी, जूस। ट्रे की परंपरा खत्म हो गई है क्या पुरोहित परिवार में? जी, माफी चाहती हूँ। आप मसाले तैयार कर दीजिए ना। जी, कर देती हूँ। आपको माँ ने बुलाया। जी, मुझे? जी। माना कि तुम्हारे पास मेरे लिए वक्त नहीं है, पर मेरे पास तुम्हारे लिए बहुत वक्त है। देखो, मैं तुम्हारी मदद जो करने आया हूं। आप मेरी क्या मदद करेंगे? ये है ना भिंडी, तुम्हें देता जाऊंगा और तुम काटती रहना। अरे बाप रे, उंगली कट गई, उंगली कट गई। दिखाइए तो सही। ये देखो। नहीं कटी। ऐसे तो काम नहीं होगा, अब जाइए। अच्छा, तुम्हारा पति तुम्हारे सामने खड़ा है और तुम्हें ये दाल चावल और ये भिंडी की पड़ी है। अब तो मुझे कुछ करना होगा। देखो तुम, अब तो सब्जियां भी ऐसे ही कटेगी। ठीक है, चलो।
छोड़िए ना, कोई देख लेगा तो क्या सोचेगा। छोटी बहू। बेटा मकर संक्रांति के लिए भंडार से कुछ अनाज निकालना है, चलो मेरे साथ। जी दादी माँ। निकालो तुम अनाज निकालो, और देवराज पुरोहित तुम भिंडी काटो। क्या हुआ अम्मा? का हुआ? तू मोको पूछत है? तुको पता ना है का? पता ना है हम कौन बात से परेशान है। बिटिया तुम्हारे बारे में सोच सोच के हमरी नींद उड़ गई है। हर वक्त हम यही सोचत है अब का होवे को, का होवे को। ये बच्चा किराना सकत है और बहुत दिन तक ये बात हम छिपा भी ना सकत है। एक ही रास्ता बचो है, तू मोको का नाम बताई दे। ये बच्चे का बाप कौन है मोको बताई दे। अगर तू से शादी करने को राजी ना है तो हम उसको समझाएंगी, हम जावेंगी उनके पास, उसको समझाएंगी, उनके पैर पकड़ लेंगे, थोड़े वास्ते गिड़गिड़ाएंगी। अगर तू से शादी करने को राजी ना है ना तो हम उसको मनाएंगी, सच्ची मना ही लेंगे हम। बस तू मुको का नाम बताई दे। नहीं अम्मा, अब ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। उस तक पहुंचने के सारे रास्ते उस राधिका ने पहले ही बंद कर दिए हैं। मतलब है विक्रम जी? तू हमको पहले काहे ना बताई? हम कब से तुमको पूछत है, कब से पूछत रही, बताई काहे ना? मैं उस राधिका को कभी माफ नहीं करूंगी अम्मा, कभी भी नहीं। हाँ ये तो ठीक कहत है, पर जो कछु करनो है जल्दी करनो पड़ेगो। एक महीने के अंदर तोरा पेट पूरी दुनिया को दिखने लगेगो बिटिया, जल्दी करियो। अम्मा बस मैं एक बार उस राधिका की जिंदगी बर्बाद कर दू ना, फिर मैं अपने लिए तो कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लूंगी। क्या कर रहे हैं? मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। तुम्हें मुझ पर जरा भी तरस नहीं आता क्या? थोड़ा समय मुझे भी दे दिया करो। आपके लिए वक्त जरूर निकालूंगी, लेकिन अभी थोड़ा सा काम कर लूं। मैं सबके लिए खाना लगा रही थी। क्या कर रहे हैं आप? कोई देखेगा तो क्या सोचेगा? अरे भाई तुम मेरी पत्नी हो, पूरे रीति रिवाज के साथ मैं ब्याह कर लाया हूं तुम्हें, इतना तो हक बनता ही है ना मेरा। आज तो खाने से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, लेकिन जिसने खाना बनाया वो हमारी छोटी बहू है का? राधिका जी। भैया आई। देखिए मुझे बुला रहे हैं, ऐसे अच्छा नहीं लगता। अरे पर आप उदास मत रहिए, क्योंकि आप उदास बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते।
घर में इतने सारे काम है, जिम्मेदारियां निभानी तो होगी ना। लेकिन रात वो सिर्फ आपके लिए, रात को हम ढेर सारी बातें करेंगे। आ गई हमारी छोटी बहू। वैशाली को खाने पे नहीं बुलाया? नहीं दादी माँ, वो खाना नहीं खाएंगी। क्यों? उनका उपवास है ना। अच्छा अच्छा। अरे तुम लोग सब खाना खाने लगे? मुझे तो किसी ने बुलाया ही नहीं। मामी जी आप तो नहीं खाएंगी ना? क्यों? खाना क्यों नहीं खाऊंगी? जी आपका व्रत है ना। तुम्हारे कहने का मतलब है कि अब तुम ये तय करोगी कि मैं किस दिन व्रत रखूंगी? बहू समझने में कुछ गलती हो गई होगी। जी हाँ माँ जी, समझने में ही तो गलती हुई है। आपने किसी को इस घर का दायित्व दिया है ना, देखते हैं घर के लोगों को खाना मिल भी पाता है या नहीं। अब छोड़ो ना, तुम खाना शुरू करो। ये क्या सिर्फ भिंडी बनी है? हर कोई जानता है यहाँ पे कि मुझे भिंडी बिल्कुल पसंद नहीं है। यानी मेरे लिए तो कुछ खाने को है ही नहीं। ऐसी बात नहीं है माँ, आपके लिए तो स्पेशल खाना बनाया गया है। स्पेशल? ये सब क्या है छोटी बहू? व्रत के लिए खाना बनाया था। वो सारी चीजें माँ जो आपको बेहद पसंद है। मुझे लगा आपका व्रत है और आप ये सब खा सकती हैं। बहुत अच्छा किया छोटी बहू, बल्कि मैं तो सोच रही हूँ मैं भी यही खाऊं। हाँ माँ, मेरा उपवास नहीं है लेकिन मुझे भी ये उपवास वाला खाना ही खाना है। दो ना। वो चम्मच पास करना। हमसे खाओगे? और ठाकुर जी मुझको का पता था कि वही ये बच्चे का बाप है। हमसे खाओगे? हमने ही उनको अपनी पोती से दूर कर दिया ठाकुर जी। उनका अम्मा जी कहाँ है? बोरिया ये भोजन के लिए बैठ गए हैं, आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। हाँ, तू जा, हम आवत हैं। रामपुरा के मटके पंडित जी आए। हाँ हाँ, उन्हें अंदर ले आ। राधे राधे राज पुरोहित जी। राधे राधे। राधे राधे। आइए बैठिए। बैठिए। कैसे आना हुआ पंडित जी? मकर संक्रांति आने वाली है और सूरज भी उत्तरायण हो रहे हैं और अगले ही दिन सूर्य ग्रहण है,
तो सूर्य ग्रहण के दुष्प्रभाव को दूर करने के लिए मठ में पूजा रखी गई है और सूर्यास्त से लेके सूर्योदय तक 3 दिन पूजा चलेगी और राज पुरोहित होने के नाते आपको ही पूजा करनी होगी। कब से करनी है पूजा? जी आज से। आज सूर्यास्त से ही आपको ये पूजा प्रारंभ करनी होगी और आज ही आपको मठ चलना होगा। जी पंडित जी। कल चाहे तो आप पुनः वापस आकर यहाँ विश्राम कर सकते हैं, पर कल सूर्यास्त के पहले आपको फिर से मठ पहुँचना होगा। मैं अभी तैयार होकर आता हूँ। जाओ देव, तुम दोनों के बीच की ये जुदाई मुझे भी काफी मदद करेगी।